देखा, प्लस थ्री के तो होते ही रहे, क्या बोला? प्लस थ्री के तो होते ही रहे आयरन और एल्यूमिनियम। आयरन मतलब फेरिक, Fe+3, Fe+3, एल्यूमिनियम मतलब Al+3, एल्यूमिनियम मतलब Al+3, -3 के तो होते ही दो हैं, -3 के तो होते ही दो हैं, नाइट्राइड दो, नाइट्राइड दो, N3-, N3-, फॉस्फेट, फॉस्फेट, PO4-3-, फॉस्फेट, ओके, ओके, आगे जाएं, सुनो, बोलो -2 के तो होते ही पांच हैं, -2 के तो होते ही पांच हैं, इसमें से तीन तो सल्फर वाले होते हैं, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फाइट, देखो दिख रहा है, सल्फेट, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फेट, सुनो, सल्फाइड इज S2-, सल्फाइड, सल्फाइट इज SO32-, और सल्फेट इज SO42-, सुनो, -2 के तो होते ही पांच है, -2 के तो होते ही पांच है, जिसमें से तीन सल्फर के होते हैं, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, आई बात समझ में, सल्फाइड इज S2-, सल्फाइट इज SO32-, सल्फेट इज SO42-, सुनो, बचा कौन? ऑक्साइड और कार्बोनेट, बचा कौन? ऑक्साइड और कार्बोनेट, ऑक्साइड इज O2-, कार्बोनेट इज CO32-, ऑक्साइड इज O2-, कार्बोनेट इज CO32-, अब एक बार फिर से बोलूं, ध्यान सुनना, -2 के पांच होते हैं, जिसमें से तीन सल्फर के होते हैं, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट, सल्फाइड इज S2-, सल्फाइट इज SO3-, सल्फेट इज SO42-, ऑक्साइड O2-, कार्बोनेट CO3-, इज दैट वेरी क्लियर? अब सुनो, पूरी फैमिली है, -1 की पूरी फैमिली है, ठीक है ना? सबसे पहले देखेंगे, मैं बता रही हूँ, तीन बहनें हैं, तीन बहनें हैं, कौन है? क्लोराइड, मेरे को बोले तो मीटिंग रिकॉर्ड होगी, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और आयोडाइड, ये कौन है तीन बहनें? क्लोराइड इज Cl-, ब्रोमाइड इज Br-, और आयोडाइड इज I-. तो तीन सिस्टर्स के नाम बताऊंगी मैं तुम्हें, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर से बोलूं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, 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 आ रही है के बाद समझ में? इनका भाई है हाइड्राइड, इनका भाई है हाइड्राइड, हाइड्राइड इज OH-, सॉरी, हाइड्राइड इज H-, हाइड्राइड इज H-, हाइड्राइड इज H-, इनकी मम्मा है हाइड्रोक्साइड, इनकी मम्मा कौन है? हाइड्रोक्साइड, OH-. अब पापा है तो मम्मा से बड़े ही होंगे, तो वो है हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो क्या है? हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज HCO3-, दैट इज HCO3, और घर में एक डॉगी भी है, नाइट्रेट, सुनो, घर में एक डॉगी भी है नाइट्रेट, दैट इज NO3-. तो फैमिली में कौन कौन है मैं बता रही हूँ तुम्हें, तीन सिस्टर्स है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड इज Cl-, ब्रोमाइड इज Br-, आयोडाइड इज I-. इनका भाई है हाइड्राइड, दैट इज H-, भाई से बड़ी है मम्मी हाइड्रोक्साइड, OH-, मम्मी से बड़े हैं पापा हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज HCO3-, और घर में कौन है? एक और डॉगी, और डॉगी कौन है? नाइट्रेट, NO3-. इज दैट क्लियर?
वन के केस में हम लोग एक बाइफर्केशन करेंगे, क्योंकि प्लस वन में दो माइनस वाले भी आ जाते हैं, प्लस वन में दो माइनस वाले यानी कि दो नॉन मेटल भी आ जाते हैं बेटा, ठीक है ना। कौन से हैं वो नॉन मेटल? एक है हाइड्रोजन, ठीक है ना, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है अमोनिया। एक है कौन? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज एच प्लस, और दूसरा है अमोनियम, अमोनियम इज NH4 plus। क्या इसको याद करना पड़ेगा? हाँ, क्या इसको याद करना पड़ेगा? हाँ, क्या इसके लिए हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है? नहीं, देखो हमने चार ट्रिक से याद कर लिए और दो बाय हार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन क्या याद रखोगे? H plus। और अमोनियम क्या याद रखोगे? NH4+। ये दोनों प्लस होते हैं क्या? हाँ, ये दोनों प्लस होते हैं क्या? हाँ, आ रही है क्या बात समझ में? अब रुक जा, इसके अलावा हम लोग प्लस के और भी करेंगे, बहुत सिंपल सिंपल है, सबके नाम एक जैसे। सबसे पहला है सोडियम, सबसे पहला है व्हाट इज सोडियम? सोडियम इज Na+। फिर है क्या? पोटेशियम। फिर क्या है? पोटेशियम इज K+। पोटेशियम इज K+, ठीक है ना। इसके बाद तुम लोग करोगे क्या? कॉपर। इसके बाद क्या करोगे? लेकिन कॉपर कौन सा? कॉपर वन। कॉपर कौन सा? कॉपर वन, Cu+। इसे हम लोग क्यूप्रिक भी कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्यूप्रिक भी कहते हैं। और लास्ट करना है सिल्वर, लास्ट करना है सिल्वर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? Ag+। क्या कहते हैं? Ag+। ओके, पता लेना ही नहीं, अगर आपको पता है प्लस थ्री के कौन कौन से? आयरन और एल्यूमिनियम। आपको प्लस वन के याद है कि दो नॉन मेटल, एक हाइड्रोजन और एक अमोनियम, बाकी है सोडियम पोटेशियम कॉपर और सिल्वर। तो बचे हुए जितने भी हैं, बचे हुए जितने भी हैं, वो सब है कौन? प्लस टू। वो सब है कौन? प्लस टू। ध्यान से देखिए, क्या सुनो, इसमें कौन कौन आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा मैग्नीशियम, तो Mg क्या होता है? मैग्नीशियम इज प्लस टू। फिर तुमने बोला अरे कैल्शियम भी तो होता है, मैंने कहा लो कैल्शियम भी क्या है? प्लस टू। फिर माही बोली क्या दीदी? जिंक का भी बता दो। मैं बोलूंगी अरे जो बचे सब प्लस टू। फिर ये बोली आयरन टू भी तो होता है थ्री के साथ, तो मैंने कहा वो भी क्या होगा? प्लस टू। बस उसका नाम क्या होता है? फेरस। उसका नाम क्या होता है? फेरस। प्लस टू, आयरन की दो वैलेंसी होती है, प्लस टू और एक प्लस थ्री, ठीक है ना। फिर बोला कॉपर टू भी तो होता है, तो मैं बोलूंगी कॉपर टू तो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? प्लस टू, आ रही है क्या बात समझ में? फिर बोला बेरियम, बेरियम, मैंने कहा जो बचे हुए हैं सब क्या होंगे? प्लस टू। फिर ये बोली मैंगनीज, मैं बोलूंगी वो भी प्लस टू। बोली निकल, वो भी प्लस टू। तो प्लस वन और प्लस थ्री को बचाकर जो भी रह गए वो सभी क्या होंगे? प्लस टू। क्या क्या एक बार फिर से फटाफट रिवाइज करवाऊं मैं? प्लस थ्री आयरन एल्यूमिनियम, माइनस थ्री नाइट्राइड और फॉस्फेट, माइनस टू के पांच होते हैं जिसमें से तीन किसके होते हैं? सल्फर, सल्फाइड, सल्फाइट, सल्फेट ऑक्साइड और कार्बोनेट। माइनस वन की हमने फैमिली पढ़ी, तीन सिस्टर्स है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, इनका छोटा भाई है हाइड्राइड, इनकी मम्मा है हाइड्रोक्साइड, इनके पापा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, और घर में कौन है? डॉगी। डॉगी का नाम क्या है? हाइड्राइड। सुनो, प्लस वन में दो तो कौन से नॉन मेटल? कौन से? हाइड्रोजन और अमोनियम। इसके अलावा चार करने और, सोडियम पोटेशियम कॉपर सिल्वर, और जो बाकी सभी बच गए वो सब क्या होंगे? इज दैट क्लियर? क्या सारे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस याद हो गए?